पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महापौर विनोद अग्रवाल ने रविवार 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। बापू की 153वीं जयंती पर वो मुरादाबाद के कंपनी बाग से शहीद स्मारक पर पहुंचे। शहीद स्मारक के पास जाकर सिर झुकाकर नमन किया उन्होंने। इसके बाद महात्मा गांधी जी की लगी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त संजय चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल और नगर निगम के भाजपा के सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारत के सबसे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। 1890 में इंग्लैंड से वकील बनकर भारत लौटे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर मौजूद नगरायुक्त महोदय, हमारे महामंत्री नथुराम कश्यप जी, सरदार गोविंद सिंह जी, सभी आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोग यहाँ मना रहे हैं। बहुत शुभ दिन है कि आज के दिन महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। गांधी जी ने अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ लेकर जिस तरह भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपनी एक संरक्षक की भूमिका निभाई, इसीलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। पिता का कर्तव्य और पिता का धर्म, ये सब निभाते हुए उन्होंने आज हमें आजादी के ये दिन दिखाए हुए हैं। मेरा इस अवसर पर परम श्रद्धेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन, साथ ही भारत रत्न जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के पुरुष थे, महापुरुष थे, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो युद्ध का मोर्चा हो, चाहे कृषि का, जिस समय देश के अंदर अनाज की भरपूर कमी हो रखी थी, सीमाओं पे पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया वो हमेशा हमें स्मरणीय रहेगा। उनके चरणों में भी नमन, और यही एक प्रेरणा के स्रोत है। आने वाली पीढ़ी गांधी जी के विचारधारा से और शास्त्री जी के सिद्धांतों से अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित तौर पे ये देश आने वाले टाइम में और आगे बढ़ेगा, जो इन्होंने एक सपना देखा था।